नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में और मैं हूं आनंद कुमार। कुछ दिन पहले हमने एक डिस्कशन किया था, डिस्कशन था हाउ टू क्रैक सीजीपीएससी एसएससी यानी कि स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन। उसमें हमने कुछ बेसिक डिस्कस किया था कि कैसे आपको सीजीपीएससी का प्रिपरेशन शुरू करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्वालिफिकेशन किस प्रकार से होना चाहिए, क्या एज लिमिट है, इन सब बातों पर हमने एनालिसिस किया था। उसी लेक्चर का आज दूसरा पार्ट होगा, यानी कि एक हम सीरीज डिस्कस करने वाले हैं। पहले में हमने बेसिक जानकारी लिया, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सीजीपीएससी स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन के सिलेबस को। इसके अलावा जो पहला वीडियो था उसमें आप लोगों के कुछ कमेंट्स थे, जैसे मैंने बोला था कि जब भी आप प्रिपरेशन शुरू करें या शुरू करने का सोच रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि शुरुआत मेंस एग्जामिनेशन से होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स क्रैक कर लेने से कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप मेंस क्रैक नहीं करते तब तक कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप पहले प्रीलिम्स शुरुआत करते हैं या फिर प्रीलिम्स का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और आपको लगता है कि बाद में मेंस कर लेंगे, जैसा ट्रेंड पिछले कुछ समय से छत्तीसगढ़ में रहा है अधिकांश बच्चों का कि पहले प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, प्रीलिम्स निकलेगा उसके बाद मेंस की तैयारी करेंगे, लेकिन आपके पास इतना वक्त नहीं होता कि आप प्रीलिम्स के बाद मेंस को प्रिपेयर करो। तो इसीलिए होना ये चाहिए कि सबसे पहले आप मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट करें। लेकिन आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का नीचे कमेंट था कि हम मेंस से जब भी प्रिपरेशन करने की कोशिश करते हैं या शुरू करते हैं तो बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। चैलेंजेस किस प्रकार से हो सकता है, जब भी आप सिलेबस देखोगे मेंस का तो बहुत वास्ट लगेगा, तो आपको ये लगेगा कि बिना बेसिक पढ़े हम मेंस का प्रिपरेशन कैसे करें, हम इतना डिप्थ में कैसे जाएं। तो आज मैं तरीका बताने वाला हूं कि आप मेंस प्रिपरेशन की शुरुआत कैसे कर सकते हो, और सबसे पहले हम सिलेबस एनालिसिस करेंगे और उसके बाद हम आप मेंस से शुरुआत कैसे कर सकते हो इस पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप बिगनर्स हैं तो इस पूरा सीरीज को फॉलो जरूर कीजिएगा। इसके बाद का जो लेक्चर आएगा आपको कौन कौन सी बुक्स को फॉलो करना चाहिए प्रिपरेशन, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे बुक्स पड़े हुए हैं, बहुत सारे पब्लिकेशंस के बुक अथाह पड़े हुए हैं, एक पूरा गहराई है उन किताबों में, जितना ढूंढोगे उतना मिलेगा। तो स्मार्ट स्टडी ये कहता है कि आप एक सब्जेक्ट का एक ही किताब उठाओ, ऑथेंटिक उठाओ और उसी को बेहतर तरीके से फॉलो करो। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि आप किन किताबों को प्रेफर कर सकते हो और कैसे कर सकते हो, और उसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि आप स्मार्ट स्टडी कैसे कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो चार वीडियो का पूरा सीरीज हो जाएगा आपको बेहतर तरीके से हेल्प करेगा इस एग्जाम को क्रैक करने में, समझ गए। और एक सुझाव और है आप लोगों से मेरा कि इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है इसी सीरीज का तो सबसे पहले आप वो पहला वीडियो देख लें, उसके बाद इस तरफ बढ़े। तो चलें सिलेबस की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले पिछले वीडियो में हालांकि मैंने बताया था लेकिन फिर भी कुछ थोड़ा सा बेसिक यहां पर जरूर हम लोग जानते हैं एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो एग्जाम का पैटर्न मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, लेकिन फिर से आपको एक शॉर्ट ब्रीफ दे देता हूं कि कैसे आप इसका जो एग्जाम का पैटर्न है वो किस प्रकार से है। तो दो तरीके आप कह लो, तीन स्टेप होता है। सबसे पहले होता है आपका प्रीलिम्स, उसके बाद होता है आपका मेंस का एग्जामिनेशन, और लास्ट में होता है आपका इंटरव्यू। इतना आप लोगों को हो सकता है पता होगा। प्रीलिम्स में आपका दो पेपर होता है, फर्स्ट पेपर होता है आपका जीएस और सेकंड पेपर जो होता है वो आपका होता है सीसेट। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सीसेट सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, आपको सिर्फ 33% मार्क्स लाकर आपको इसे क्वालिफाई करना होता है। जो भी मेरिट लिस्ट तैयार होता है या फिर आप अगर मेंस के लिए एलिजिबल होते हो तो ये जीएस पेपर के आधार पर ही होते हो, 200 मार्क्स के होते हैं, ये भी मैंने बताया था। बस एक मोटा मोटी रिवाइज कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो है यहाँ पर आपको पैटर्न देखने को मिलता है। मेंस के पेपर में मैंने आपको ये भी बताया था कि टोटल जो है वो 7 पेपर होते हैं, ठीक। 7 पेपर में पहला पेपर लैंग्वेज का होता है, सेकंड पेपर एसे का होता है, उसके बाद आपको 5 जीएस पढ़ना होता है, जिसपे हम पूरा सिलेबस के आधार पर ब्रीफ में एनालिसिस करेंगे। और अगर आप मेंस को देखोगे तो 200 मार्क्स के होते हैं और लास्ट में आपको 150 नंबर का इंटरव्यू भी होता है। तो टोटल 1400 मेंस का होता है और 150 इंटरव्यू का होता है। तो 1550 मार्क्स के आधार पर आपका जो है यहाँ पर 1550 मार्क्स के
आधार पे यहाँ पर आपका मेरिट लिस्ट निकलता है और फाइनल आपका सिलेक्शन होता है। क्लियर है? तो इतना बेसिक जानकारी आपको देना जरूरी था अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखें तो सबसे पहले आप पिछला वीडियो देख लीजिए। तो चलिए अब हम सिलेबस पे आएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको ले चलना चाहूंगा प्रीलिम्स की तरफ, कि प्रीलिम्स में आपका सिलेबस क्या कहता है। सिलेबस बहुत जरूरी होता है। अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो आप सिलेबस को एक बार पलट कर देख लिए कि क्या पढ़ना है, उस आधार पर आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते। आपको सिलेबस याद होना चाहिए, डायरेक्टली कह रहा हूँ, सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है। क्योंकि जब तक आपको सिलेबस नहीं पता होगा, जब तक आपको बेहतर तरीके से सिलेबस समझ नहीं आएगा, तब तक आप अंधेरे में चलते रहोगे। इसलिए सिलेबस बहुत जरूरी होता है। मैं पिछले वीडियो में भी बोला था कि सिलेबस का प्रिंट आउट निकालें और उसे अपने पास रखें। और जब भी आप जिस सब्जेक्ट को भी पढ़ रहे हो, सिलेबस आपका हमेशा बगल में होना चाहिए, तभी आप बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो। समझ रहे हैं बात को? तो सिलेबस बहुत ही जरूरी होता है। तो प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स में मैंने आपको बोला दो पार्ट होता है। पहला होता है जीएस, दूसरा होता है सीसेट। जीएस की हम बात करें तो जीएस होता है 200 नंबर का, 100 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन अगर आपने गलत किया तो आपका यहां 1/3 जो है वो माइनस हो जाता है, यानी कि माइनस मार्किंग होता है। पहले सीजीपीएसई में माइनस मार्किंग नहीं हुआ करता था, लेकिन पिछले 2-3 सालों से माइनस मार्किंग भी हो रहा है। तो 1/3 माइनस होगा अगर आप एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो। सीसेट मैंने आपको बताया सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, 200 नंबर का ही होता है, 33% आपको स्कोर करना होता है, 100 क्वेश्चन ही होता है। क्लियर है? इसमें भी माइनस होता है, अगर आपने गलत किया तो आपको यहां पर 1/3 नेगेटिव देखने को मिलेगा। क्लियर? तो सबसे पहले हम यहाँ फर्स्ट पार्ट यानी कि जीएस पार्ट को का जो भी सिलेबस है उसे ब्रीफ में यहाँ एनालिसिस करते हैं। तो चलिए अब यहाँ सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो आपका प्रीलिम्स का भाग एक है यानी कि पेपर एक है, जो कि जनरल स्टडीज है, और यही आपका पूरा मेन पार्ट है। सीसेट तो सिर्फ क्वालिफाइंग है। हाँ, सीसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप सीसेट क्वालिफाई नहीं करते आपका जीएस का पेपर चेक ही नहीं होगा। तो सीसेट इंपॉर्टेंट जरूर है, लेकिन आप प्रीलिम्स क्वालिफाई इसी सब्जेक्ट के आधार, इसी पेपर के आधार पे करेंगे, यानी कि पेपर 1। ये 200 नंबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप प्रीलिम्स का सिलेबस देखते हो तो यहां पर आपका सिलेबस बिल्कुल भी डिस्क्राइब नहीं किया गया है, सिर्फ लिख दिया गया है भारत के इतिहास एवं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारत का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, भारत का संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था। तो सिर्फ एक लाइन में लिख दिया गया है, इसे डिस्क्राइब बिल्कुल भी नहीं किया गया है। हालांकि मेंस का जब आप सिलेबस देखोगे तो वो काफी एक्सप्लेन मिलेगा, काफी ज्यादा वहां पर ब्रीफ में दिया हुआ है, टॉपिक्स भी दिए हुए हैं, सब्जेक्ट्स भी दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको उतना एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। तो यहाँ पर आपको खुद का सेंस यूज करना है कि आपको क्या पढ़ना है। इसीलिए यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना कि जब आप मेन से शुरू करोगे ना, हालांकि सिलेबस आप प्रीलिम्स का देखोगे, लेकिन जब आप मेन से शुरू करोगे तो आपको ये इजिली पता चल जाएगा कि आपको प्रीलिम्स में क्या पढ़ना है। बात मेरी समझ आ रही है? तो यहाँ पर आपको 8 पॉइंट दिखेंगे। हो सकता है आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से ना दिख रहा होगा, थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको पढ़कर सुनाते चलूंगा। पहला पार्ट में दिया हुआ है भारत का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है। इंडियन हिस्ट्री का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, आपको एनिसेंट भी पढ़ना है, मिडाइवल भी पढ़ना है और मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ना है। तीनों हिस्ट्री आपको पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी अलग से एक्सप्लेन नहीं किया है कि सिर्फ आपको मॉडर्न पढ़ना है या फिर मिडाइवल पढ़ना है। ठीक है, आधुनिक भारत का इतिहास भी पढ़ना है आपको, मध्यकालीन इतिहास भी पढ़ना है और प्राचीन इतिहास भी पढ़ना है। ठीक है, तीनों हिस्ट्री पढ़ना है और भारत का स्वतंत्रता आंदोलन यानी कि 1857 का जो मूवमेंट हुआ था वो भी पढ़ना है, 1947 में आज़ादी मिलने से पहले जो मूवमेंट हुआ उन सबको भी आपको पढ़ना होगा। तो सिर्फ यहाँ आज हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, और सिलेबस के बाद इस सब्जेक्ट के लिए कौन सा बुक आपको प्रिफर करना चाहिए उस पर डिस्कस करेंगे। तो पहले ये डिस्कस कर लेते हैं आपको क्या क्या पढ़ना है। हिस्ट्री क्लियर हो गया, इसके बाद सेकेंड पार्ट पर आओगे तो आपको यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ना है। ध्यान रखिएगा आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो सिर्फ और सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ना है प्रीलिम्स के लिए। और इंडियन ज्योग्राफी में भी क्या क्या है, तो फिजिकल ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या आ जाता है,
यहाँ पर आपको आ जाता है भूगर्भिक संरचना यानी कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। भूगर्भिक संरचना का मतलब क्या हुआ कि भारत की उत्पत्ति कैसे हुई, पहले पैंजिया हुआ करता था, कैसे गोंडवाना का पार्ट टूटा, कैसे हिमालय की उत्पत्ति हुई, कैसे नदियों की उत्पत्ति हुई, कौन कौन से अपवाह तंत्र हैं भारत में, भारत का क्लाइमेट किस प्रकार से है। तो ये सारे जो टॉपिक्स आपको पढ़ना है वो किस में पढ़ना है, भारत का भौतिक भूगोल यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी में ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना होगा। और इसके लिए भी कौन सा बुक यूज़ करना है, चाहे NCERT पढ़े या फिर कोई और ऑथेंटिक बुक उठाएं, इस पर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बस यहाँ पर हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर दिया हुआ है एक सोशियल ज्योग्राफी यानी कि सामाजिक ज्योग्राफी। ये क्या होता है, तो सामाजिक ज्योग्राफी कहने का मतलब है कि आपके समाज में क्या है। बहुत सारे धर्म हैं, विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं, उन समुदायों का रहन सहन किस प्रकार से है, कौन कौन से धर्म, कौन कौन से जाति के लोग हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आपका आपको पढ़ना है वो सामाजिक भूगोल में पढ़ना है यानी कि सोशल ज्योग्राफी में पढ़ना है। इसके लिए भी अगर आप देखोगे सोशल ज्योग्राफी का और इंडिया का आर्ट एंड कल्चर देखोगे तो इसमें बहुत सिमिलैरिटी मिलेगी। तो आपको यहाँ पर ये भी ध्यान देना होगा कि जैसे बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट मिलेंगे जो नेक्स्ट सब्जेक्ट से भी मैच करता है, तो अगर आप दोनों को मिलाकर पढ़ोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। जैसे आप सोशल ज्योग्राफी और आर्ट एंड कल्चर का बहुत सारा पूरा कम्प्लीटली नहीं मिलेगा लेकिन बहुत हद तक मिलेगा। तो दोनों को मिलाकर किस तरह से पढ़ना है ये भी स्मार्ट स्टडी का हिस्सा है, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको मिलेगा आर्थिक भूगोल यानी कि इकोनॉमी ज्योग्राफी। इसमें क्या क्या आपको पढ़ना होगा, इसमें आपको पढ़ना होगा एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना होगा, मिनरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना होगा, एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना होगा यानी कि ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ना होगा, इसके अलावा आपको इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना होगा, और इसके अलावा आपको परिवहन के बारे में पढ़ना होगा। तो ये सब सारा पार्ट किस में आ जाता है, आर्थिक भूगोल में आ जाते हैं। और आर्थिक भूगोल बहुत हद तक आपका सिमिलर होगा इकोनॉमिक्स के कुछ पार्ट से, क्योंकि उसमें भी आपको एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना होगा, उसमें भी आपको मिनरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना होगा, एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना होगा। तो इकोनॉमी वाला ये पार्ट और आर्थिक भूगोल वाला ये पार्ट, ये दोनों को आप मिलाकर पढ़ोगे तो ये आपका स्मार्ट स्टडी होगा, ठीक है। इस पर ब्रीफ में हम जरूर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा दो पार्ट हो गया, तीसरा पार्ट में आता है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। इसमें भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि आपको सिर्फ राष्ट्रपति पढ़ना है या आपको सिर्फ प्राइम मिनिस्टर पढ़ना है या आपको सिर्फ चीफ मिनिस्टर पढ़ना है या सुप्रीम कोर्ट पढ़ना है। आपका पूरा का पूरा यहाँ पर पार्ट दिया हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, यानी कि आपको ब्रीफ में पढ़ना होगा इस पार्ट को, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड पॉलिटी। इसके लिए कौन सा बुक यूज़ करें इस पर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में आपको क्या पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पढ़ना होगा कि भारत का संविधान किस प्रकार से गठित किया गया, यानी कि पूरा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ना होगा, कितने अनुच्छेद हैं, कितने आर्टिकल्स हैं, कौन कौन से अमेंडमेंट हुए हैं, इन सारी चीज़ों को इसमें आपको पढ़ना होगा। पॉलिटी में आपको पढ़ना होगा राष्ट्रपति से लेकर लोकल बॉडीज तक, समझ लो, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उसके बारे में पढ़ना होगा, जो हमारे लोकल बॉडीज़ हैं जैसे म्यूनसिपैलिटीज़ हो गया या फिर पंचायत लेवल पे हो गया, इन सब को पढ़ना होगा आपको किस में, पॉलिटी में। और ये बहुत ही विस्तृत सब्जेक्ट होगा, यानी कि छोटा मोटा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा इसमें आपको पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन आते हैं और पूरा सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका तीसरा पार्ट, भारत की अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी। इसमें क्या पढ़ना होता है, इसमें आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने होते हैं, बहुत सारे डेफिनेशन पढ़ने होते हैं। जैसे आपको पढ़ना होगा टैक्सेस कितने प्रकार के होते हैं, इन्फ्लेशन क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, बैंकिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है, RBI का स्ट्रक्चर किस प्रकार से है। तो इन सारी चीज़ों को इकोनॉमी में पढ़ना पड़ेगा। और इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा पार्ट करंट अफेयर्स भी होता है, जैसे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हर साल ये अनुमान लगाती हैं कि इंडिया का इकोनॉमी किस प्रकार से ग्रो करेगा, या फिर अलग अलग सबमिट होते हैं, उस सबमिट में डिस्कस किया जाता है इकोनॉमी को लेकर कि इसका GDP किस प्रकार से होगा, कौन सा सेक्टर, अलग अलग इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ना होगा। तो ये पूरा जो आपका पार्ट है इकोनॉमी का पार्ट है। यहाँ तक अगर आप बिगनर्स हैं तो ये जो हमने चार पार्ट डिस्कस किया कि आपको किन किन चीज़ों को पढ़ना होता है, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको डर भी लग सकता है कि अरे बाप रे इतना पढ़ना पड़ेगा,
लेकिन आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो, क्योंकि जितना भी सिलेबस है अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन करते हो, कंसिस्टेंसी रखकर आप प्रिपरेशन करते हो, तो आप बिल्कुल क्रैक कर सकते हो। बहुत आसान होगा और बहुत मजा आएगा। जब भी आप पढ़ने बैठोगे ना, अगर इंटरेस्ट नहीं भी आ रहा है, लेकिन आप शुरुआत जब कर लोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये कितना इंटरेस्टिंग है, क्योंकि धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। ब्रेक बिल्कुल मत करना, कंसिस्टेंसी बिल्कुल मत तोड़ना, तब बहुत मजा आएगा। लेकिन जब आप एक बार कंसिस्टेंसी तोड़ लोगे और जब आप में पेशेंस नहीं रहेगा, तो बहुत बोर लगेगा, आप बिल्कुल कवर नहीं कर पाओगे। लेकिन जब आप कंसिस्टेंट रहोगे, तो आपको एक नशा टाइप का हो जाएगा कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये तरीका होगा एग्जाम क्रैक करने का, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर भारतीय दर्शन, आर्ट एंड कल्चर, ये सब सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना होगा। यानी कि अलग अलग हेरिटेज साइट हैं, यूनेस्को का हेरिटेज साइट हो गया, इंडिया में कितने टाइप्स के हैं, इसके अलावा पूरे इंडिया का कल्चर क्या है, अलग अलग स्टेट का अलग अलग कल्चर होता है, इन सब आर्ट होता है, जैसे आर्ट में संगीत हो गया, वाद्य यंत्र हो गया, इन सब सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना होगा, ठीक। इसके बाद करंट अफेयर्स, नेशनल और इंटरनेशनल। करंट अफेयर्स तो आपको पता ही है, करंट अफेयर्स का कोई सिलेबस नहीं होता, पूरे साल भर को आपको करंट अफेयर तैयार करना होता है। करंट अफेयर्स में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसीलिए रेगुलर करंट अफेयर फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। करंट अफेयर एक ऐसा चीज है कि अगर आप रेगुलर करंट अफेयर अपडेट करते हो पूरे साल भर का, तो आपको बहुत हद तक ये जो स्टैटिक पार्ट है ना, जो आपका सब्जेक्ट, ये भी तैयार होते जाएगा। कैसे होते जाएगा? इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री क्या है, इंडियन हिस्ट्री में चलो मान लो करंट अफेयर यूज नहीं हुआ, लेकिन अगर हिस्टोरिकल प्लेस से रिलेटेड कोई न्यूज आया, जैसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किसी हिस्टोरिकल प्लेस को शामिल किया गया, तो वहां से थोड़ा बहुत हद तक कवर कर सकते हो। पॉलिटी में कर सकते हो, इकोनॉमिक्स में कर सकते हो, तो यहाँ पर भी करंट अफेयर का यूज होता है। स्टैटिक पार्ट भी आपका कवर होता है, रिविजन होता है, इसलिए करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। और इसके बाद एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में क्लाइमेट चेंज के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी में भी आपको क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो ये दोनों आप मिक्स करके पढ़ सकते हो। कुल मिलाकर आज हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा उस पर हम कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सा बुक प्रेफर करना चाहिए उस पर डिस्कस करेंगे, और इन सिलेबस के आधार पर आप स्मार्ट स्टडी किस प्रकार से कर सकते हो वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका सामान्य अध्ययन का पहला पार्ट, जिसमें आपको 8 सब्जेक्ट के बारे में दिया हुआ है। इसके बाद आपका सामान्य अध्ययन का सेकेंड पार्ट आता है, यहाँ छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन। ध्यान रखिएगा, पहले पार्ट से आपको यहां पर 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो कि होगा 50 मार्क्स का। सेकेंड पार्ट से भी आपको यहां पर 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो कि होगा 50 मार्क्स का। दोनों का इंपॉर्टेंस बराबर का है, इसलिए दोनों पार्ट आपको बेहतर तरीके से करके जाना है, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा? तो इसमें आपको वही चीजें पढ़नी होंगी जो ऊपर है। जैसे इसमें आपको क्या होगा, आपको छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री पढ़ना होगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री भी तीनों आ जाता है आप यहां पर। हालांकि प्राचीन इतिहास से संबंधित ज्यादा कुछ मिलता नहीं है छत्तीसगढ़ में, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक छत्तीसगढ़ का इतिहास, ये तीनों ही पढ़ना होगा। इसके अलावा आपको छत्तीसगढ़ का पॉलिटी पढ़ना होगा, छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी भी पढ़ना होगा, इसके अलावा छत्तीसगढ़ का आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ना होगा, और इसके अलावा छत्तीसगढ़ का जो एनवायरमेंट है वो भी पढ़ना होगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड है, छत्तीसगढ़ का इकोनॉमी भी आपको पढ़ना होगा। तो ये सारी चीजें आपको छत्तीसगढ़ से रिलेटेड पढ़ना होगा। यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक, पर्यटन केंद्र, ये सब सारी चीजें आपको आ जाता है। छत्तीसगढ़ में साहित्य, संगीत, आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। छत्तीसगढ़ में ट्राइबल्स से रिलेटेड यहाँ पर आपको इनका जो भी पारंपरिक चीजें हैं उन सबके बारे में पढ़ना होगा। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था है, और छत्तीसगढ़ का ये पॉलिटी, और छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स, तो ये सारी चीजों को भी आपको पढ़ना होगा। ये सारे पार्ट्स आप बेहतर तरीके से पढ़ सकते हो। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर आपको रेगुलर अपडेटेड रहना होगा, ठीक है। तो इन तरीके से जो है, और इस सिलेबस के आधार पे जब आप सिलेबस के साथ तैयारी करोगे, तो आपका प्रीलिम्स क्रैक हो सकता है, ठीक है। तो इतने पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना होगा, और हर सब्जेक्ट जो भी आपको दिया हुआ है डिटेल में पढ़ना होगा, ठीक है। और इसलिए मैं जब बोलता हूँ ना कि जब मेंस का प्रिपरेशन करोगे ना, तो ये मतलब आप मानकर चलो 70-80% आपका प्रीलिम्स का सिलेबस कवर हो जाएगा, और प्रीलिम्स क्रैक करना बहुत आसान हो जाएगा। सीसेट हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि सीसेट में क्या होता है, मैथ्स होता है, रीजनिंग होता है, इसके अलावा आपको कुछ लैंग्वेजेस पढ़ने होंगे, हिंदी,
छत्तीसगढ़ी, कुछ कम्युनिकेशन स्किल होगा, ये सब आपका सीसेट में आता है। ठीक है, तो सीसेट हम ज़्यादा ब्रीफ में एनालिसिस नहीं करेंगे, सीसेट बेहतर तरीके से आप लोग बहुत आसानी से समझ सकते हो। हाँ, यहाँ पर जो मेरा आज का मेन मोटिव था मेंस का सिलेबस समझाने का, प्रीलिम्स का भी समझाया, और अब हम चलते हैं मेंस की तरफ। मेंस का सिलेबस आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो जो मैं बोल रहा था ना कि हार्ड कॉपी अपने पास रखना है तो वो मेंस के लिए रखना है, क्योंकि मेंस का जो सिलेबस है पूरा डिस्क्राइब किया गया है, हर एक पार्ट को बताया गया है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। जैसे पहला जो आपका पेपर है, आपका लैंग्वेज का पेपर है, यानी कि भाषा का पेपर है, आपको पता है। तो ये भाषा में आपको क्या क्या मिलेगा, तीन पार्ट रहेगा, भाग एक, भाग दो और भाग तीन। तो पहला पार्ट में है आपका सामान्य हिंदी यानी कि जनरल हिंदी, आपको सेकंड पार्ट में जनरल इंग्लिश पढ़ना होगा, और थर्ड पार्ट में आपको छत्तीसगढ़ी भाषा पढ़ना होगा। और हर एक टॉपिक दिया हुआ है सब्जेक्ट का कि ये टॉपिक पढ़ें। अगर आप सिलेबस अपने पास नहीं रखे हो तो हो सकता है अंधेरे में भी जा सकते हो, जो टॉपिक आपको नहीं बोला है उसे भी पढ़ने लगोगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए अपने पास सिलेबस जरूर रखें। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो आपका मेंस के पेपर का स्ट्रक्चर होता है उस पर डिस्कस करेंगे। पिछले पार्ट में भी मैंने बताया था, पिछले वीडियो में, कि मेंस का जो पेपर होता है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, लेकिन आज हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर, अगर आप बिगनर हो तो स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। टोटल 5 सेक्शन होते हैं, यानी कि 5 खंड होते हैं आपका मेंस के हर पेपर में। हर पेपर में नहीं, पेपर 3 से लेकर पेपर 7 तक का जो आपका स्ट्रक्चर होता है उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है 5 सेक्शन में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 1, इसके बाद सेक्शन 2, इसके बाद सेक्शन 3, इसके बाद सेक्शन 4, और लास्ट में हम बात करेंगे सेक्शन 5। सेक्शन 1 में क्या है, तो सेक्शन 1 में आपका 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। 2 मार्क्स के कितने क्वेश्चन होते हैं सेक्शन 1 में, ये हर पेपर की बात है ना, आपका पेपर नंबर 3 से लेकर पेपर नंबर 7 तक का स्ट्रक्चर सेम होता है। 5 सेक्शन में क्वेश्चन पेपर डिवाइड होता है, पहले सेक्शन में 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होता है 22। क्वेश्चन देख कर डरिएगा मत, वर्ड लिमिट्स बहुत कम होता है, ये सिर्फ और सिर्फ 30 वर्ड्स के होते हैं। ठीक, तो टोटल मार्क्स यहां पर कितना हो गया, 22 गुना 44 यानी कि 44 मार्क्स। ठीक, इसलिए कहा जाता है कि जब तक आप मेंस एग्जामिनेशन के लिए रिटन प्रैक्टिस नहीं करते, बहुत अच्छे से रिटन प्रैक्टिस नहीं करते, तब तक आपका जो है मेंस एग्जामिनेशन बेहतर तरीके से आप नहीं लिखोगे और क्रैक नहीं कर पाओगे। तो 22 प्रश्न, समय अवधि आपको पता है कितने घंटे का होता है, 3 घंटे का। मार्क्स कितने होते हैं आपको पता है, 200 मार्क्स का टोटल। ये 200 मार्क्स मैटर नहीं करता, क्वेश्चन डिपेंड करता है। 22 क्वेश्चन आपको 2 नंबर के लिखने हैं, टोटल कितने, 44 नंबर, और हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना कंपलसरी होता है। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा आप अलग अलग टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करोगे, जितना ज्यादा रिटन प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर होगा। इसके अलावा आता है सेक्शन 2। सेक्शन 2 में 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको वर्ड लिमिट्स कितना होगा, 60 वर्ड में ये आपको लिखना होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे यहाँ 13, और टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, तो 13 चौक 52 यानी कि 52 मार्क्स होंगे। तो 2 नंबर के कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, 22 क्वेश्चन, 4 नंबर के कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपको यहाँ, 13 क्वेश्चन। क्लियर है? इसके बाद आता है आपका सेक्शन 3, ये होता है 8 मार्क्स के, यानी कि खंड 3 आपको मिलेगा 8 मार्क्स का। टोटल क्वेश्चन यहां पर आपको दिया जाएगा 8, और इसका जो वर्ड लिमिट्स है वो है 60, और टोटल यहां पर आपको मार्क्स मिलेंगे 64। अब यहां आपको सेक्शन 4 को ध्यान से समझने की जरूरत है, सेक्शन 4 और सेक्शन 5 को। सेक्शन 4 जो है वो 10 नंबर का क्वेश्चन होगा। सेक्शन 4 जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो आपका पेपर दिया होगा उसके पार्ट 2 से क्वेश्चन मिलेगा, यानी कि हर पेपर में देखोगे पेपर 3 से लेकर पेपर 7 तक, तो 3 पार्ट में डिवाइड होगा सेक्शन, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3।
तो जो सेक्शन 4 है इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ सेकेंड पार्ट से ही क्वेश्चन लिखने के लिए दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि पेपर नंबर 3, पहला पार्ट में आपको दिया हुआ है हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है आपको इंडियन पॉलिटी, और थर्ड पार्ट में आपको दिया हुआ है छत्तीसगढ़ से रिलेटेड। तो आपको यहाँ पर इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड 10 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि सेकंड पार्ट से आपको लिखना होगा। यहाँ पर दो प्रश्न आपको दिए जाएंगे, सॉल्व कितना करना होगा, आपको यहाँ पर एक प्रश्न को सॉल्व करना होगा 200 में से। वर्ड लिमिट क्या होगा, तो वर्ड लिमिट यहाँ पर आपको 125 दिया जाएगा, और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने होंगे, 10 मार्क्स, क्योंकि आपको एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इसके अलावा सेक्शन 5 से अगर हम बात करें, तो सेक्शन 5 जैसे सेक्शन 4 से हुआ ना कि आपको सिर्फ सेकेंड पार्ट से क्वेश्चन लिखने के लिए दिया जाएगा, तो उसी तरह से सेक्शन 5 से आपको फर्स्ट और थर्ड पार्ट से क्वेश्चन लिखने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। और ये जो होगा 15 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, ठीक, और दो दो क्वेश्चन दिए जाएंगे फर्स्ट और थर्ड से, और दो क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, यानी कि एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे पार्ट 3 से और एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे पार्ट 1 से। तो टोटल इसके मार्क्स हो जाएंगे कितने, 30। वर्ड लिमिट्स कितना हो जाएगा, 175। 4 क्वेश्चन में से अटेम्प्ट कितना करना होगा, 2, यानी कि दोनों पार्ट से एक एक। तो इस तरह से आपके ये हो जाते हैं 200 मार्क्स। क्लियर है, समझ आ रहे हो? तो क्वेश्चन काउंट कर लो कितने क्वेश्चन हो रहे, ये आपको 3 घंटे में सॉल्व करने। ये है आपका पेपर का स्ट्रक्चर, उम्मीद करता हूं बेहतर तरीके से समझ आया होगा। अब यहाँ पर हम जैसे बात कर रहे थे हिंदी से रिलेटेड, तो इसमें आपको हिंदी में ग्रामर पढ़ने को मिलेगा, हिंदी का जैसे भाषा का बोध, संक्षिप्त लेखन, पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये सब सारी चीज़ें मिलेगा, संधि विच्छेद किस प्रकार से है। कहने का मतलब है कि जो ग्रामर आप हिंदी में 10th क्लास तक पढ़ते आ रहे हो ना, उसी ग्रामर को आपको यूज़ करना है, उसी ग्रामर को आपको रिवाइज करना है। 10th तक तो हर किसी ने हिंदी का ग्रामर पढ़ा ही है, और जो नहीं पढ़े हो वो समझ लो कि आपको 10th क्लास तक का हिंदी पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा आपको जनरल इंग्लिश में, जैसे हम 10th तक जो पढ़ते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस राइटिंग होता है, फिल इन द ब्लैंक्स होता है, करेक्शन ऑफ स्पेलिंग्स होता है, वोकैबुलरी होता है, वोकैबुलरी का यूजेस जो किस प्रकार से होता है, तो जो हम 10th क्लास तक इंग्लिश पढ़ते आए हैं उसी को पढ़ना है, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ये नहीं कि 10th क्लास तक हम जो पढ़े सब पढ़ लिया, सिलेबस में जो जो दिया है उसे पढ़ना है, ठीक। इसके अलावा छत्तीसगढ़ी भाषा, छत्तीसगढ़ का ग्रामर, छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास और उसका इतिहास किस प्रकार से रहा, इसके अलावा सर्वनाम, विश्लेषण, क्रिया, वाच्य, अव्यय, ये सब सारी चीजें आपको इसमें पढ़ना होगा। 3 पार्ट इसमें भी दिया हुआ है, ठीक, 200 मार्क्स और आपका ये, ठीक। तो ये हो गया आपका हिंदी यानी कि लैंग्वेज 3 पार्ट में, हिंदी, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी, किस तरह से पढ़ना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। कहाँ तक आएगा, सिलेबस में जो जो दिया है आपका 10th लेवल तक का, जो भी ग्रामर आपने पढ़ा है या फिर जो भी आपने लैंग्वेज से रिलेटेड पढ़ा है वही आएगा, ठीक। पेपर नंबर 2 की तरफ पढ़ें, तो पेपर नंबर 2 जो है आपका वो है एसे राइटिंग से रिलेटेड। एसे राइटिंग में आपको यहाँ पर पेपर नंबर 2 में 2 पार्ट मिलेगा। फर्स्ट पार्ट में आपको नेशनल और इंटरनेशनल इशूज पे एसे लिखने के लिए दिया जाएगा, 2 ऐसे लिखने के लिए दिया जाएगा फर्स्ट पार्ट से, 50-50 मार्क्स के होंगे, और जो वर्ड लिमिट होगा वो 750 का। सेकंड पार्ट में आपको छत्तीसगढ़ इशूज पे ऐसे लिखने के लिए दिया जाएगा, यहाँ पर भी 4 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे जिसमें से 2 अटेम्प्ट करना है। इसमें भी 4 क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करना, 50-50 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होंगे, दोनों मिलाकर टोटल 200 मार्क्स। यहाँ पर इस साल यानी कि अभी जो मेंस का एग्जामिनेशन हुआ है 2020 का, इसका क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। एक मोटा माटी जो है आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि हाँ इस तरह से क्वेश्चन आता है, और जब भी आप प्रिपरेशन करोगे तो आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं वो समझ में आएंगी। तो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर पढ़कर सुनाता हूँ। पहला क्वेश्चन है नेशनल इशूज में ऑनलाइन फ्रॉड समस्या एवं समाधान, यानी कि ऑनलाइन फ्रॉड प्रॉब्लम एंड रिमेडीज। तो ऑनलाइन फ्रॉड देखोगे तो पिछले 1 साल में, या जब से इंटरनेट का जमाना आया है, जब से इंटरनेट का युग आया है, हर कोई सोशल मीडिया, हर कोई इंटरनेट का यूज़ कर रहा है, UPI पेमेंट, नेट बैंकिंग पेमेंट, अलग अलग ट्रांजेक्शन्स हो रहे, उतनी ही तेजी गति से ऑनलाइन फ्रॉड भी बढ़ा है। तो इस पर जब भी आप पिछले 1 साल में बहुत सारी चीज़ों को एनालिसिस करोगे तो आप बेहतर तरीके से उत्तर लिख पाओगे। कभी हम इस पेपर को एनालिसिस करेंगे कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या हमने पहले भी डिस्कस किया कि ऐसे लिखते समय आपको किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए और कैसे एक अच्छा ऐसे लिखा जाता है। इसके अलावा दूसरा है कोविड-19 से रिलेटेड, यहाँ पर आपदा के अवसर,
सकारात्मक एवं नकारात्मक, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पहलू लिखना है कि कैसे कोविड 19 से कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हुई हैं और कुछ निगेटिव चीज़ें भी हुई हैं। तो इस पर भी अगर आप जब पूरे एक साल में कोविड का सिचुएशन न्यूज़पेपर्स अलग अलग आर्टिकल्स पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको मिलेंगे। ठीक, इसके अलावा विदेशी संस्कृति भारतीय संस्कृति पर अभिशाप, यानी कि किस प्रकार से जो विदेशी संस्कृति है वो हमारे संस्कृति पर हावी होते जा रहा है सोशल मीडिया के युग में, ये सब सारी चीज़ों को लिख सकते हो। क्लियर है। और इसके अलावा योजना आयोग बनाम नीति आयोग, पहले योजना आयोग हुआ करता था, उसके बाद जब से नई गवर्नमेंट आई यानी कि बीजेपी की गवर्नमेंट आई, योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग आ गया, तो दोनों में कंपैरिजन करने के लिए यहाँ पर आपसे कहा गया है और दोनों को आप कंपेयर करके एक अच्छा इसे लिख सकते हो। उसी प्रकार से आप छत्तीसगढ़ इशूज में देख लें, रामकृष्ण मिशन नारायणपुर एक वरदान अबूझमाड़ के संदर्भ में, और इसके बाद है छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जंगली हाथी समस्या और समाधान। तो इस हिसाब से एसे आता है। एसे का दो पार्ट होता है, स्टैटिक पार्ट होता है, डायनेमिक पार्ट होता है, और अगर बैलेंस बना के लिखना है तो दोनों को मर्ज करके लिखो तो आपको बेहतर आंसर मिलेगा। ठीक, तो ये हो गया आपका एसे। इसके बाद अगर हम बात करें पेपर नंबर 3 का, यहां से आपका जीएस शुरू हो जाता है। पेपर 1 पेपर 2 छोड़ दो, पेपर 3 पेपर 4 पेपर 5 पेपर 6 पेपर 7, ये जो 5 पेपर है आपका, इसे ये भी कह सकते हैं जीएस 1 जीएस 2 जीएस 3 जीएस 4 जीएस 5, क्योंकि ये पूरी तरह से जनरल स्टडीज पर आधारित है। पहला जो पेपर है आपका भारत का इतिहास है, इसमें आपको ब्रीफ में दिया हुआ है कि क्या क्या चीजों को पढ़ना है आपको, जैसे प्रागैतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब सारी चीजें दिया हुआ है। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बुक आप प्रेफर करते हो या फिर जो भी आपके पास में मटेरियल है या नोट्स है, उस आधार पर आप इसे पढ़ते हैं और तैयार करते हैं। लास्ट में बताऊंगा कि कैसे आप मेन से शुरू करें और कैसे किन चीजों का ध्यान रखें, ठीक है, ताकि आपको तकलीफ ना हो। तो जो भी यहाँ पर संविधान और लोक प्रशासन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर कॉन्स्टिट्यूशन, इसके सारे पार्ट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। ध्यान रखिएगा, आपका जो प्रीलिम्स का सिलेबस था उसमें आपका कहीं भी कुछ लिखा हुआ नहीं था, सिर्फ लिखा हुआ था भारत का संविधान और राजव्यवस्था यानी कि पॉलिटी आपको पूरा पढ़ना था। इसमें वो चीजें नहीं है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, और जितना आपको दिया हुआ है उतना ही पढ़ना है। ठीक, तो इसे भी आप ब्रीफ में पढ़िए, देखिए, समझिए और उसके बाद आगे बढ़िए। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा छत्तीसगढ़ का इतिहास। छत्तीसगढ़ का इतिहास कुछ खास है नहीं, बहुत जल्दी आप तैयार कर सकते हो, लेकिन जितना भी है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से भी आपका एक 15 नंबर का प्रश्न आएगा। ठीक, तो जितना है छत्तीसगढ़ अगर कम है तो ये आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि आप उसे बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है जो आपका पेपर नंबर 2 है ना, पॉलिटी पढ़ने को मिलेगा, इंडियन हिस्ट्री आपको पढ़ने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ हिस्ट्री पढ़ने को मिलेगा, तो ये पेपर भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो जीएस का, अगर मेरे हिसाब से जीएस का पेपर नंबर जो 4 है जीएस 2 उसे छोड़ दो, तो बाकी जितने भी पार्ट्स हैं बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में बहुत मजा आएगा। ठीक, चलिए, तो इसके बाद हम कौन से पेपर की तरफ बढ़े, पेपर नंबर 3 हो गया, पेपर नंबर 4 देखते हैं। पेपर नंबर 4 आपको सबसे पहला पार्ट मिलेगा जनरल साइंस, जिसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिलेगा। कुल मिलाकर अगर मैं सिलेबस में आपका दिया हुआ है हर एक टॉपिक मेंशन है, कौन कौन सा आपको टॉपिक पढ़ना है, फिजिक्स का कौन सा टॉपिक है, केमिस्ट्री का कौन सा टॉपिक है, बायोलॉजी का कौन सा टॉपिक है, सब कुछ मेंशन है। कुल मिलाकर कहूँ तो आपने 10th तक जितना भी साइंस पढ़ा है उससे बाहर नहीं आएगा। तो जनरल साइंस को तैयार करने का एक बेहतर तरीका है, 10th तक अगर आपने साइंस पढ़ा है तो अच्छी बात है, और 10th तक तो हर कोई साइंस पढ़ता ही है। ठीक, साइंस अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है तो थोड़ा सा तकलीफ होगा, लेकिन कोई नहीं, आप लोग कर सकते हो। ठीक, इसके अलावा जो पार्ट 2 है वो है योग्यता परीक्षण, तार्किक योग्यता और बुद्धिमत्ता परीक्षण, यानी कि इसमें आपको मैथ्स वैथ्स जितनी भी चीज़ें मिलती है इन सभी चीज़ों को आपको पढ़ना होगा। सिलेबस वही जैसे मैंने बोला कि 10th स्टैंडर्ड तक का ही रहता है, तो जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है उनको तकलीफ होता है, लेकिन आपको इस पर थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक, इस पेपर का पार्ट 3 मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अप्लाइड और व्यवहारिक विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान तो कहने का मतलब है जो साइंस एंड टेक से रिलेटेड पढ़ते हो, साइंस एंड टेक का मतलब क्या हो गया, जैसे इसरो से रिलेटेड पढ़ रहे हो, DRDO से रिलेटेड पढ़ रहे हो, कोई नई टेक्नोलॉजी आई है उससे रिलेटेड पढ़ रहे हो, या फिर यहाँ पर कह लो एनवायरमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हो, पॉल्यूशन के टाइप्स के बारे में पढ़ रहे हो, ये सारी चीज़ें इसमें हैं, तो ये इंटरेस्टिंग पार्ट होता है और इसे तैयार करना बहुत आसानी होता है। हालांकि अगर आप इंटरेस्ट लेकर नहीं पढ़ रहे हो तो इसे तैयार करने में मुश्किल भी हो सकता है। ठीक, तो ये भी पूरा बृहद में दिया हुआ है, कंप्यूटर के बारे में आपको पढ़ना है, कम्युनिकेशन के बारे में आपको पढ़ना है, सारी चीज़ें इसमें आपको ये
सब सारी चीज़ें पढ़ना होगा। इसके बाद पेपर नंबर 5 और जनरल स्टडीज नंबर 3 में आते हैं। याद है ना आपको, हर पेपर 200 मार्क्स के हैं और 3 से लेकर, हालांकि 1 भी 3 पार्ट्स में है, लेकिन 3 से लेकर 7 तक सारा पेपर आपको 3 पार्ट्स में मिलेंगे। स्ट्रक्चर किस प्रकार से हो सकता है मैं पहले ही बता चुका हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सा बुक आपको प्रेफर करना चाहिए। अगर आप बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो, शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहते हो तो, मैं जरूर बताऊंगा, ऑथेंटिक बुक बताऊंगा। उस बुक को अगर आप बेहतर तरीके से पढ़कर नोट्स बना लिए, सब कुछ कर लिए, तो आपका एग्जाम बिल्कुल क्रैक होगा। क्यों नहीं होगा? जो मेहनत करेगा, जो पेशेंस रखेगा, जो कंसिस्टेंसी मेंटेन करेगा, पूरा जी जान लगाएगा, हर तरीके से स्मार्ट स्टडी करेगा, तो उसका पेपर क्यों क्लियर नहीं होगा? लोग बोलते हैं इतने साल से पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पेपर क्लियर नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं आप चूक कर रहे हो। 4 साल 5 साल का मेहनत आप करते हो, लेकिन अगर मान लो आप अपनी गलतियों से नहीं सीख रहे हो, वही गलती बार बार रिपीट कर रहे हो, तो फिर पेपर कैसे क्रैक होगा? ठीक, इसमें आपको क्या मिलेगा? इसमें आपको भारत एवं छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था पढ़ना होगा। पार्ट 1 में ही 2 सेक्शन दिया हुआ है, भारत के संदर्भ में और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। छत्तीसगढ़ इकोनॉमी में जनरली अगर देखा जाता है तो इकोनॉमिक सर्वे सफिशियंट होता है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में बहुत सारे ऐसे पार्ट्स दिए होते हैं जिससे आप कवर कर सकते हो, और थोड़ी बहुत जो चीज़ें बच जाती हैं उसे आप बाहर से भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ट्राइबल से रिलेटेड जो भी यहाँ पर चीज़ें दिया हुआ है, साक्षरता, संरचना, आय एवं रोजगार, क्षेत्रीय वितरण परिवर्तन, महिलाओं की सामाजिक राजनीतिक आर्थिक सशक्तिकरण, बाल श्रम समस्या, तो कुछ कुछ पार्ट्स आपको बाहर से कलेक्ट करना होगा और बाकी सब आपको इकोनॉमिक सर्वे में मिल जाएगा। इंडियन इकोनॉमी में मैंने आपको बोला कि जैसे आर्थिक भूगोल दिया हुआ था और इंडियन इकोनॉमी, दोनों को अगर आप मर्ज करके पढ़ो तो बेहतर होगा। यहाँ पर स्कीम से रिलेटेड आपको पढ़ना होगा, GDP से रिलेटेड आपको पढ़ना होगा, पर कैपिटा इनकम पढ़ना होगा, राजकोषीय घाटा क्या होता है, संरचना अर्थव्यवस्था पर उनके प्रभाव किस प्रकार से होते हैं, ये सब सारी चीज़ें आपको इंडियन इकोनॉमी में पढ़ना होगा। इसके लिए भी बुक मैं आपको बताऊंगा जहाँ से आप बेसिक बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। ठीक, और पेपर नंबर 5 का पार्ट 2, क्योंकि वो दोनों छत्तीसगढ़ का इकोनॉमी और इंडिया का इकोनॉमी दोनों एक ही पार्ट में था, तो पार्ट 2 में आपको भारत का भूगोल पढ़ना होगा। भारत के भूगोल में क्या क्या चीज़ें दिया हुआ है ये सारी चीज़ें आप देखें, स्थिति, विस्तार, भूगर्भिक संरचना, ये सब प्रीलिम्स में भी पार्ट है आपका। मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर क्या होता है, विशेषताएं, कृषिगत फसलें, खदान, दालें, तिलहन, ये सब आपका आर्थिक भूगोल का पार्ट आ जाता है, तो उसमें भी दिया हुआ था, इसमें भी दिया हुआ था, तो दोनों आप बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हो एक साथ। जब ये तैयार कर लोगे तो आपको ऑटोमेटिक वो तैयार हो जाएगा प्रीलिम्स वाला पार्ट। पार्ट 3 में छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ की भौतिक विशेषताएं किस प्रकार से होती है। हाँ, एक चीज मैंने आपको वहां पर बताना भूल गया था, जो छत्तीसगढ़ वाला जनरल स्टडीज वाला पार्ट है, प्रीलिम्स में हमने पहला पार्ट डिस्कस कर लिया था कि आपको ये चीजें पढ़ना है, लेकिन इसके अलावा उसमें जो पार्ट 2 था जनरल स्टडीज का, उसमें छत्तीसगढ़ जनरल स्टडीज के बारे में दिया हुआ था। छत्तीसगढ़ जनरल स्टडीज में आपको क्या क्या पढ़ना होता है, छत्तीसगढ़ का पॉलिटी होता है, छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री होता है, तीनों हिस्ट्री, आपको मॉडर्न भी पढ़ना होगा, मिडाइवल भी पढ़ना होगा, और जो है आपका प्राचीन इतिहास भी पढ़ना होगा, यानी कि एनिसेंट भी पढ़ना होगा, और इसके अलावा छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी भी होता है, छत्तीसगढ़ का आर्ट एंड कल्चर भी होता है, और छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स भी होता है, छत्तीसगढ़ का एनवायरमेंट, सब सारी चीज़ों को भी उसमें पढ़ना होगा, और दोनों का जो सेक्शन होता है वो 50-50 मार्क्स के होते हैं। ठीक, तो इस तरह से वहां पर आपको पढ़ना होगा, और ये छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी में आपको सारा पार्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पेपर नंबर 5। अब हम यहाँ पर पेपर नंबर 6 की बात करें तो ये थोड़ा सा लोगों को लेंदी लगता है, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जो थोड़ा सा रटने टाइप का हो गया, इसमें कुछ खास इंटरेस्ट आता नहीं है। जैसे दर्शन शास्त्र का स्वरूप, धर्म, संस्कृति, यानी कि जितने भी भारत के दर्शन से रिलेटेड यहाँ पर अपूर्व सिद्धांत हैं, या फिर ब्रह्म माया, जगत, मोक्ष, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें पढ़ना होगा। इसके लिए भी क्या आप यूज़ कर सकते हो, नेक्स्ट पेपर में मैं आपको बता दूंगा। ये थोड़ा सा आपको बोर कर सकता है ये पार्ट, अगर आपका रुचि है इस क्षेत्र में तो हो सकता है आपको यहाँ पर आसान हो। इसके अलावा जो सेकंड पार्ट है, आपको यहाँ पर समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पढ़ना पड़ेगा, सारे टॉपिक्स आपको इसमें दिए हुए हैं। और इसके अलावा ये फिर से सिलेबस जो है 2020 का है, मैं आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा, वहाँ सब सारी चीज़ें कलेक्ट कर लीजिए। छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य, यानी कि इसमें आपको छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मेन्स से रिलेटेड, छत्तीसगढ़ के ट्राइब, छत्तीसगढ़ का संस्कृति किस प्रकार से, वाद्य यंत्र, ये सब सारी चीज़ों को जो है वो आपको इसमें पढ़ना होगा। ये थोड़ा सा आपके लिए बोरिंग हो सकता है ये वाला पेपर, क्योंकि इसमें बहुत हद तक रटना पड़ेगा आपको बहुत सारी चीज़ों को समझने के बजाय। ये पेपर नंबर 7 मेरे हिसाब से इंटरेस्टिंग है। सबसे पहला इसमें पार्ट है कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रम एवं कानून। जितने भी इंपॉर्टेंट लॉज बने, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार,
या इसके अलावा ट्राइबल से रिलेटेड जितने भी यहाँ पर एक्ट्स आए हैं वो सारे एक्ट यहाँ पर मेंशन है, कौन कौन सा एक्ट आपको यहाँ पर पढ़ना है और सब कुछ दिया हुआ है। तो खासकर एक्ट जब भी आप पढ़ेंगे तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि तो रिसेंट में जिस एक्ट में अमेंडमेंट हुआ है उसको आप साथ लेकर पढ़ेंगे। पार्ट वन के ही सेकेंड पार्ट में छत्तीसगढ़ से रिलेटेड आपको यहाँ पर जितने भी स्कीम्स हैं और इसके भाग वन में पार्ट वन के बाद जो पार्ट टू है छत्तीसगढ़ में जितने भी इम्पोर्टेंट एक्ट्स हैं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की यानी कि छत्तीसगढ़ विधानसभा से जो पारित हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। और इसी का पार्ट वन का ही तीसरे सेक्शन में आपको छत्तीसगढ़ सरकार की कल्याणकारी योजनाएं के बारे में पढ़ना होगा। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जितने भी स्कीम्स चलाए जा रहे हैं उन सब के बारे में आपको पढ़ना होगा, खासकर जो इफेक्टिव है जो चलाए जा रहे हैं और हाल फिलहाल में जिन स्कीम्स को लॉन्च किया गया है उन सभी के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। जैसे एग्जाम्पल राजीव गांधी किसान न्याय योजना इस सलेसे में भी आया था, गोधन न्याय योजना हो गया, सुराजी गांव योजना हो गया, तो ये सब सारे स्कीम्स के बारे में आपको पढ़ना होगा, ठीक है। इसके अलावा सेकेंड पार्ट है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेल घटना एवं संगठन यानी कि कहने को मानकर चलो कि जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में आपको पढ़ना होगा। जैसे यूनाइटेड नेशन के बारे में पढ़ना होगा, यूनाइटेड नेशन के जो डिफरेंट बॉडीज हैं उनके बारे में पढ़ना होगा, वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ना होगा, एशियाई बैंक के बारे में पढ़ना होगा, सार्क के बारे में पढ़ना होगा, ये सब बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में, ठीक। इसके पार्ट थ्री में अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थाएं एवं मानव विकास में उनके योगदान, ठीक, जैसे जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए IITs हो गए NITs हो गए, इसके अलावा और भी जैसे UGC हो गया, ये सब सारी चीज़ें के बारे में पढ़ना होगा। राष्ट्रीय शैक्षणिक आयोग, योजना प्रशासनिक विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क्या है, तो ये सब जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड पार्ट्स हो गए इंस्टीट्यूशंस हो गए वो आपको इसमें मिलेगा। जब हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें इन सब सारी चीज़ों को बहुत ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। बस एक यहाँ पर हम मोटा माटी ये देख रहे हैं कि किन किन चीज़ों को पढ़ना है और कैसे पढ़ना और किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या आपके सिलेबस में है, बस ये डिस्कस कर रहे हैं। अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। आप में से बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि अगर हम प्रीलिम शुरू ना करें और मेन से शुरू करें तो इतना ब्रीफ में रहता है कि दिक्कत होता है पढ़ने में, किन किन बातों का ध्यान रखना है आपको, शुरू तो मेन से ही करना है अगर एग्जाम क्रैक करना है तो। क्योंकि जैसे मैंने बोला ना कि आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, ये सब सारे ऐसे पार्ट हैं जो आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों में मिलेगा। तो जब आप मेंस प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका प्रीलिम्स ऑटोमेटिक प्रिपेयर होते जाएगा, बात समझ आ रही है। 70-80%, इससे भी ज़्यादा कह लो तो सिमिलर है, तो मेंस से ही प्रिपरेशन स्टार्ट क्यों ना करें। तो देखो मेंस में भी ऐसा नहीं है कि आप शुरुआत बहुत डीपली कर रहे हो, मेंस में भी जब आप शुरुआत करो तो बहुत इजीली और बेसिक चीज़ों को पकड़ कर करो। NCERT से शुरू करो अगर बिगनर हो तो, NCERT जब समझ आ जाए तो उसके आगे जाओ। अगर आपको लग रहा है कि आप खुद से सेल्फ स्टडी करके आप प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे तो आपको जहाँ का बेहतर लगे वहाँ का कोर्सेज ज्वाइन कर लो, आप किसी मेंटर को हायर कर लो। मेंटर को हायर करने का मतलब है कि किसी क्लासेस को ज्वाइन कर लो कहीं से भी, उनसे उनके गाइडेंस में पढ़ो, हो सकता है बड़े भाई बहन हो जो इस क्षेत्र में अग्रसर हो या प्रिपरेशन कर रहे हो, या कोई पहचान का हो तो उनसे आप सलाह ले सकते हो सब्जेक्ट से रिलेटेड वहाँ पर किस प्रकार से शुरू करें। तो बेसिक से पढ़ाई शुरू करें, जब मैं बुक का लिस्ट बताऊँगा तो वहाँ पर यह भी बताऊँगा कि कैसे बेसिक से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गया कि आप मेन से शुरू करें या प्रीलिम से, शुरू करना है मेन से लेकिन आपको बेसिक से ही शुरुआत करना है। इसके लिए एक बेहतर तरीका ये है कि सबसे पहले आपके लिए जो आपके आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका सिलेबस, उसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए वो है आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी बहुत जरूरी है, सिलेबस के बाद आप मेंस का हर एक पेपर का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जुगाड़ें, किसी भी वेबसाइट पे मिल जाएगा, सर्च कर लें, आपका CGPSC के वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, वहां से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करें। हर एक पेपर को 3-4 साल का पेपर आपके पास होना चाहिए, देखिए कि क्या क्या क्वेश्चन और कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, क्लियर है। तो एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू करें और शुरू करने के बाद जब आप एक चैप्टर कंप्लीट कर लें तो आप किसी भी क्वेश्चन उठा लें, टेस्टरी शुरुआत में नहीं भी ज्वाइन करोगे चलेगा, कहीं से भी क्वेश्चन उठा लो और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो और किसी मेंटर से या फिर कोई आपके जान पहचान है उसे चेक करो। ज़्यादा बेहतर होगा कि जहाँ आप पढ़ रहे हो वहाँ मेंटर अगर आपका है तो उसे चेक कराएं कि आपने यहाँ पर क्या गलती किया है।
तो शुरुआत से शुरू करें, दो नंबर के, ऐसा नहीं है कि मेंस में आपको डायरेक्ट डीपली जाना होगा, ब्रीफ में पढ़ना होगा, आप वहां से भी शुरू करें जहां से आपको करना है, बेसिक से ही शुरुआत करें। जैसे आप प्रीलिम्स के लिए बेसिक से शुरुआत करते हैं ना, वैसे ही मेंस के लिए भी बेसिक से शुरुआत करें। डेफिनेशन पढ़ें, जैसे आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो प्रेसिडेंट क्या होता है, प्रेसिडेंट का कार्य क्या होता है, प्रेसिडेंट कौन कौन से आर्टिकल में प्रेसिडेंट का उल्लेख किया गया है, प्रेसिडेंट के पास में पावर क्या होता है, विटो पावर क्या होता है, तो ये सब सारी चीज़ों के बारे में पढ़ें। ये सब बहुत ज़्यादा आपको टफ नहीं लगेगा, जो आप प्रीलिम्स में पढ़ोगे वो आप मेंस में ही पढ़ोगे, लेकिन आपको यहाँ पर शब्दों में उतारना होगा, आपको लिखना होगा। तो इस तरह से आप शुरुआत कर सकते हो। शुरुआत में नोट्स नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, पहले आप चीज़ों को समझ लें उसके बाद नोट्स बनाना शुरू करें। तो मेंस से भी शुरुआत आप कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपके पास होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए, या फिर अगर कोई टॉपर से आपकी पहचान है या किसी मेंटर से आपका पहचान है तो उससे बोले कि किसी टॉपर का टेस्ट पेपर है अगर आपके पास तो वो अपने पास कहीं से एकत्रित कर लें। कई टॉपर्स ने आरटीआई के जरिए निकलवाया होगा या कहीं ना कहीं किसी न किसी यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगा, तो उस टॉपर के क्वेश्चन पेपर को लें और देखें कि उसने कैसे लिखा है। अगर टॉपर्स के नोट्स मिल जाते हैं तो वो देखो कि वो किस प्रकार से नोट्स बनाता है। हालांकि नोट्स आप अपने तरीके से बनाओगे क्योंकि वो उसका तरीका था, बस एक आइडिया ले सकते हो कि वो किस तरीके से इन चीजों को फॉलो किया है। क्लियर है? तो यहां पर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पेपर बहुत जरूरी है शुरू करने के लिए। तो ये दो चीजों को अभी आप फॉलो करो, शुरुआत करिए। अगर शुरुआत करने में किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत आता है तो फिर हम आपके लिए है, आप बताइए, हमें मेल कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं कि ये हमें समस्या आ रही है, फिर हम भी आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हमारे ऑफिस में कांटेक्ट करिए, हमसे बात करिए या मेल या किसी भी तरह से करिए, लेकिन शुरू कीजिए। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं जिसके आधार पर आप शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो आज का जो ये लेक्चर है यही समाप्त कर रहा हूँ। इसके बाद हम कुछ बुक्स पे बात करेंगे, कौन से बुक्स को आपको प्रेफर करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सब सारी चीज़ें देखेंगे। और उसके बाद स्मार्ट स्टडी किस प्रकार से किया जा सकता है उस पर देखेंगे। और आज जो हम कुछ बातें छूटे, जैसे कि और अगर आपको बेहतर तरीके से जानना है, अगर इतने के बाद भी आप ये नहीं समझ पाए कि मेंस के लिए कैसे शुरू करें, तो स्मार्ट स्टडी वाले वीडियो में हम जरूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।